अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी वीडियो है तो उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वीडियो चला करके दिखा देता हूँ किस तरह की वीडियो बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो है, इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है पूरा। तो कैसे हमने किया दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले बता दूं कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जोर दबा लेना है जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले हैं काइन मास्टर। तो आपने ऑलरेडी इसको डाउनलोड तो करके रखा होगा, और आप करके रखा होगा तो आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों इसको ओपन करते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर कंटिन्यू विद वाटरमार्क आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस पर आपको क्लिक करना है, तो प्लस वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीडिया ब्राउज़र पर चले जाना है। देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है मीडिया ब्राउज़र का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो बैकग्राउंड आपको उसको ले लेना है। चलिए हम बैकग्राउंड आपको अपना यहाँ से ले लेते हैं, या बैकग्राउंड हम ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये इस तरह चल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको एक जगह स्टॉप करना है। तो किस तरह से करना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसके जो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, जो प्लस वाला ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं अब ये आगे पीछे अगर आप करते हैं तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब यहाँ ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है दोस्तों, एक जगह स्टॉप हो चुका है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, बेसिक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पहले वाला आपको ले लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका भी चेंज हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। तो आपको उसको करना क्या, फुल कर लेना ऊपर तक, ठीक है। ऊपर तक फुल करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो है चेंज हो चुका है। अब ये किधर भी जाएगा चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको वीडियो ले लेनी है जिसका आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। तो चलिए यहाँ पर से आपके अपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक कर देना है। वीडियो ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद जो आपकी वीडियो है उसको ले लेना है। चलिए हम इस वीडियो को यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ये अनसपोर्ट हो रही है दोस्तों, दूसरी वाली वीडियो हम ले लेते हैं। तो दोस्तों हमें अपनी वाली जो वीडियो थी ये हम ले लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर फुल वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फुल करेंगे तो उसका बैकग्राउंड जो है ये पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। उसके बाद सिंपली एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद फिर से इस वाली जो आपकी जो वीडियो है इस पर क्लिक कर देना है। थोड़ा नीचे जाएगा देखते हैं यहाँ पर क्रोमा की का एक आपको ऑप्शन मिलता है, आपको एक ग्रीन स्क्रीन का वीडियो आपको लेना है। उसके बाद एक क्रोमा क्लिप पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका जो इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और ये जो है देख सकते हैं यहाँ से इनेबल हो चुका है। आपको कुछ इधर उधर करके इसकी सेटिंग कर लेनी है, सही तरीके से इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है, और इसकी जो लेंथ है इसको आपको अपने हिसाब से रख लेना है, कितनी बड़ी वीडियो चाहिए उसके हिसाब से रखने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से कट कर देना है बाकी का पार्ट, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर से जितने भी वीडियो थी हमारी जो बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों उसको आपको सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मैंने इसको ऑलरेडी क्लिक कर डाउनलोड करके रखे, तो आपने देख ही लिया पहले वीडियो। तो वीडियो छोटी सी दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।